छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। बांका के मंदार के बौंसी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के संगठन प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में शनिवार को तीसरे दिन बांका के समुखिया मोड़ से रवाना हो गई। यात्रा के रवाना होने से पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सभी जगह लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। 20 से 25 किलोमीटर का यात्रा करना है और आप देख रहे हो इस तरह से ताम जाम नहीं, साधवी की तरह सब लोग एक साथ खा रहे हैं, सब लोग एक साथ विश्राम कर रहे हैं, उस तरह से चल रहा है। ये यात्रा देश भर में एक महान जन आंदोलन का निर्माण करेगा। भक्त चरण दास खुद कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं। यात्रा अमरपुर प्रखंड में 22 किलोमीटर की दूरी 25 गांवों से होकर तय करेगी। रात्रि विश्राम जिला की सीमा भागलपुर के रतनगंज में होगा। बताते चलें कि बांका के मंदार से बोध गया तक की 1250 किलोमीटर की यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बिहार में लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। बांका से हमारे संवाददाता ने कुछ ऐसे समाज सेवियों से बात की जो बिहार के अनेक जिलों से इस यात्रा को समर्थन देने पहुंचे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि यात्रा के प्रति इनके क्या विचार हैं। हाँ, हम अपनी एकजुटता जो है प्रकट कर रहे हैं कि भाई कोई लोग जो है इस सवाल को कर रहे हैं कि भाई जीवन के सवाल पर तभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है संघर्ष के लिए, मोर्चे के लिए, जब वे जातीय या धार्मिक जो है ध्रुवीकरण से आजाद होंगे, मुक्त होंगे, अन्यथा इस ओर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। और यही कोशिश सत्ता कर रही है और जो सत्ताधारी दल हैं, जो उनके संगठन हैं, इसमें अभी तक वो सफल रहे हैं। तो इसको एक चुनौती के रूप में जिन भाइयों ने लिया है और भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसमें अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए मैं इसमें शामिल हूँ। समुखिया मोड़ से शुरू होने के बाद यात्रा आनंद मार्ग महगाम मोड़ होते हुए इंग्लिश मोड़ चौक से खेमीचक गांव के समीप बीडी अकादमी तक पहुंची। यहां दिन में विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था थी। दिन में 3 बजे यात्रा फिर शुरू हो गई। बांका भागलपुर जिले की सीमा पर स्थित संत पथिक विद्यालय रतनगंज पहुंची। विश्राम के समय हमने कई लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी की पदयात्रा का प्रभाव बड़े पैमाने पर समाज के हर तबकों पर हो रहा है, मीडिया पर भी हो रहा है, नौजवानों पर भी हो रहा है, कारपोरेट पर भी हो रहा है, और देश में जो एक नफरत की राजनीति का एजेंडा चल रहा था और मीडिया भी उसमें फंस रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें सोच, उनके सोच में बदलाव आया है और राहुल गांधी जी से एजेंडे को लेकर चल रही इस यात्रा के माध्यम से उसके प्रति लोग सोचने के लिए मजबूर हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि देश के हर कोने से लोग स्वेच्छा से इस यात्रा में जाकर अपनी जनतंत्र में विपक्ष की आवाज जब संसद में ना सुनी जाए, और ये पत्रकार होने के तौर पर आप भी जानते हैं इस बात को, तो उसका एक ही तरीका है कि जनता के बीच जाइए और जनता की आवाज बनिए, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है। जिस तरह से देश में नफरत, ईर्ष्या, विद्वेष घर घर में दीवार खड़ी कर दी गई है, आप किसी चौक चौराहे पर आप राजनीतिक वार्ता जो हम लोग 1974 के आंदोलन से निकले हैं किया करते थे, आज वो नहीं कर सकते। तो कहना नहीं होगा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसियों के साथ आम जन और देश में सांप्रदायिक सौहार्द चाहने वाले, लोकतंत्र को मजबूत करने की चाहत रखने वाले सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी जोरदार समर्थन मिल रहा है। बिहार की सिल्क नगरी में भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की पार्टी की ओर से खूब तैयारी चल रही है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने की तैयारी में जुटी है और हर वर्ग और धर्म को यात्रा के सूत्र से बांधने की कवायद जोर शोर से चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भी खूब समर्थन मिल रहा है। विमर्श न्यूज़, बांका।